वेलकम टू आवर चैनल हेल्प टिप स्टोर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। वैसे तो हमने आपको इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि शेयर मार्केट को कैसे इस्तेमाल करते हैं फॉर डेली मनी अर्निंग, यानी कि रोज हम उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शेयर मार्केट क्या होता है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप वो वीडियो देख लें तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी, और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे क्लिक कर जरूर देखें, वो आपको इस वीडियो में हेल्प करेगी। सो इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि लास्ट में है हमारा फिनिशिंग टैक्स। जब तक आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तब तक आपको आपके पॉइंट जो है शेयर मार्केट को लेके वो क्लियर नहीं होंगे। सो बी विद अस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ऐसे एजुकेशनल वीडियो, स्किल्स डेवलपमेंट वीडियो एंड कुकिंग रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हियर आवर फर्स्ट पॉइंट इज अ शेयर मार्केट इज एन इंडिविजिबल यूनिट ऑफ कैपिटल एक्सप्रेसिंग द ओनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर। यानी कि ये ऐसा यूनिट है जो कि कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में का रिलेशनशिप और ओनरशिप एक्सप्लेन करता है और एक्सप्रेस करता है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट्स मीन्स शेयर जो है वो कंपनी का कैपिटल रिप्रेजेंट करता है, हमें दिखाता है कि उस कंपनी का शेयर क्या है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर इज रिप्रेजेंट एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कंपनीज कैपिटल। यानी कि कंपनी का जो कैपिटल है वो शेयर उसको इक्वल प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अ शेयर इज अ सिंगल यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी और अ सिंगल असेट। यानी कि जब हम कंपनी का शेयर परचेस करते हैं तो आप उसके ओनर बन जाते हैं, यानी कि हमने उनकी कंपनी का एक पार्ट परचेस कर लिया है, एक पार्ट खरीदी कर लिया, ठीक है। इट्स मीन शेयर ये ओनरशिप का एक सिंगल असेट। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बाय परचेसिंग अ शेयर यू कैन अर्न अ प्रोपोर्शन ऑफ द कंपनी। यानी कि जब आप उस कंपनी का शेयर परचेस करते हैं, किसी भी एक कंपनी का शेयर परचेस करते हैं तो उसका एक प्रोपोर्शन यानी कि उसका एक भाग आप परचेस कर लेते हैं। इससे पहले हमने शेयर परचेस किया सो हमें इक्वल प्रोपोर्शन में मिला। एंड नेक्स्ट बाय सेलिंग द शेयर यू गेट कैपिटल अगेन। यानी कि जो कैपिटल हमने परचेस करने में उनको दिया है तो वो सेल करने के बाद हम वापस गेन कर सकते हैं, यानी वो वापस हमें मिलेगा। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। इट्स मीन शेयर में क्या इंक्लूड होता है, तो शेयर में इंक्लूड होता है स्टॉक्स। जो हम स्टॉक्स रेटिंग देखते हैं, जो हम स्टॉक्स देखते हैं कि जो अच्छे दिख रहे हैं वही हम परचेस करते हैं, वही शेयर हम लेते हैं। सो इट इज कॉल्ड स्टॉक। सो नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कलेक्ट बाय इशू ऑफ शेयर। यानी कि जो अपने शेयर का कैपिटल है वो कहाँ से इन्वेस्ट करता है, तो वो जब हम शेयर इशू करते हैं, यानी कि जब शेयर इशू होता है तब हम उसे लेते हैं। ओके, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कलेक्टेड बाय इशू ऑफ शेयर। यानी कि जब हम देखते हैं कि वो अच्छा स्टॉक है, अच्छा शेयर है, और अभी वो लो हुआ है, यानी कि उसके जो रेट है वो कम हुए हैं, तो हम उसे परचेस कर लेते हैं। और जब वो रेट बढ़ जाता है, हमें उसका डबल प्रॉफिट मिलता है, तो हम उसे सेल कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो फ्यूचर वाइज उसे परचेस करते हैं और सेल करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज द पर्सन हु ओन द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। यानी कि जो पर्सन शेयर परचेस करता है उसे शेयर होल्डर कहते हैं। यानी कि उसने शेयर लिया और वो उसे होल्ड कर रहा है ना, यानी कि उसके पास है अभी वो शेयर। सो होल्डिंग शेयर इट्स कॉल्ड अ शेयर होल्डर। ओके, ही इज होल्डिंग शेयर, इट्स अ शेयर होल्डर। द पर्सन हु ओन द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। Now it's time to see our simple definition of share. So here our simple definition, a share or stock is a document issued by a company with entitled its holder to be one of the owner of the company. So, यानी कि
शेयर और स्टॉक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के तरफ से इशू किया जाता है। जो शेयर होल्डर होता है, इट्स मीन जो शेयर खरीदी करता है उसे इंटाइटल करता है, मतलब कि टाइटल देता है। देन ही इज़ द पार्ट ऑफ द कंपनी, यानी कि जब हमने शेयर परचेस किया तो हम उस कंपनी के एक पार्ट हो गए, हमने उसे एक इंटाइटल दिया। सो वी आर शेयर होल्डर, दैट्स कॉल्ड अ शेयर, दैट्स कॉल्ड ऑल्सो शेयर मार्केट। शेयर मार्केट वो होता है जिसमें बहुत सारे शेयर्स होते हैं, बहुत स्टॉक होता है। जो हम शेयर मार्केट में क्या काम करते हैं कि जब हम देखते हैं कोई स्टॉक अच्छा है, कोई शेयर अच्छा है और उसके रेट्स लो हो गए हैं, तो हम उसे परचेस कर लेते हैं, एंड वेन जब उसके रेट बढ़ जाते हैं तब हम उसे सेल कर देते हैं, यानी कि हम उसे बेचते हैं। इट्स मीन, और कोई क्या करता है कि उसके फ्यूचर के हिसाब से, यानी कि उसके ज़रूरत के हिसाब से वो उसे वैसे ही रहने देता है, सेल नहीं करता, ओनली ही विल परचेस। सो ये थी हमारी सिंपल डेफिनेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।